हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त दो ऐसे इंडिकेटर जो आपको स्कैल्पिंग में मदद करने वाले हैं, जिससे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से स्कैल्प कर सकते हो। निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो, दोनों में आप काम कर सकते हो। चाहे आप स्टॉक्स में करते हो, तो आप अगर बिगिनर भी हो, जैसे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का, फिर भी आप इसे यूज़ करके प्रॉफिट कमा सकते हो। डेली के आप कम से कम 500 से 1000 रुपया तो भी इससे कमा सकते हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर होने वाला है, ये स्कैल्पिंग के लिए है। स्पेशली स्कैल्पिंग इससे आप कर सकते हो, एक मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट 3 मिनट के चार्ट पे भी आप इसे 5 मिनट तो थोड़ा लंबा बड़ा हो जाएगा टाइम फ्रेम। स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है तो कम से कम 1 मिनट से लेकर 3 मिनट के चार्ट पे आप इस इंडिकेटर की हेल्प से आप इसे जो है आप मदद ले सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी जो है, इसका विनिंग रेट अगर देखोगे आप तो लगभग 90% के आसपास है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर होने वाला है आपके लिए। तो चलिए, इंडिकेटर का मैं अभी नाम आपको बता देता हूँ। जो पहला वाला जो इंडिकेटर है, ये है रेंज फिल्टर बाय सेल इंडिकेटर, RANGE रेंज, FILTER रेंज फिल्टर भी आप अगर टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो आ जाएगा। तो यहाँ पे दो तीन इंडिकेटर है सेम नाम से, तो आपको लेना है ये वाला रेंज फिल्टर बाय एंड सेल 5 मिनट, जिसका ऑथर जो है TVENN। ये वाला जो है, ये आपको लगा लेना है अपने चार्ट पे सबसे पहले। ये वाला जो है इंडिकेटर, ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको दिखाएगा। ये वाला जो है, ये वाला इंडिकेटर है। अभी देखो यहाँ पे इसने सेल इंडिकेटर दिया, सेल इंडिकेशन दिया यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट ऊपर घूम गया। यहाँ पे बाय इंडिकेटर दिया, बाय सिग्नल इसने प्रोवाइड किया। यहाँ पे भी देखोगे तो इसने बाय सिग्नल यहाँ पे दिया था, यहाँ पे बाय सिग्नल दिया, यहाँ पे सेल सिग्नल दिया। तो ये जो फेक सिग्नल जो आते हैं बीच बीच में, तो इसको हम कैसे फिल्टर आउट करेंगे? तो इसके लिए आपको एक और इंडिकेटर है, इसको आपको प्लॉट करना पड़ेगा। जो दूसरा हमारा इंडिकेटर है, ये होगा CCI। इसका लॉन्ग फॉर्म है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ये वाला जो है, ये पहले आपको CCI अगर आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको करना है इसको प्लॉट। तो ये हमारा सेकंड इंडिकेटर यहाँ पे आ गया, ये वाला जो है CCI। तो अभी इसकी जो सेटिंग है, तो इसके सेटिंग वाले पार्ट पे आ जाते हैं हम। ये CCI इंडिकेटर जो है, इसको आपको इनपुट्स में जाना है और लेंथ जो है इसकी करनी है आपको 100। नोट डाउन कर लो सब लोग, इसकी लेंथ करनी है आपको 100। और स्टाइल में जाने के बाद ये जो प्लस 100 है, इसे करना है 50। और ये यहाँ पे माइनस जो 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे करना है 50, माइनस 50, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग हो गई यहाँ पे। और ये इसका जो कलर है, इसको हम कर लेंगे वाइट, तो हमें थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। तो ये हो गया इसका कलर वाइट। ये हो गई CCI जो इंडिकेटर है, इसकी सेटिंग। और रेंज फिल्टर वाला जो है, इसमें जो है आपको कुछ भी सेटिंग बिल्कुल कुछ भी नहीं करनी है, इनपुट्स पे भी नहीं और स्टाइल में भी नहीं। स्टाइल में सिर्फ अगर आपको कुछ करना है तो ये जो बाय और सेल सिग्नल वाला जो कलर है, इसे आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। बाय सिग्नल को हम करेंगे ग्रीन और सेल सिग्नल को करेंगे हम रेड। ये हो गई सेटिंग। अभी आते हैं मुद्दे पे, जहाँ पे हमें बाय और सेल कहाँ करना है और किस तरीके से हमें क्या देखना है, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले। तो चलो, इसका बाय और सेल कहाँ पे बनता है और इसको फिल्टर आउट कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे करना है, और रेंज बाउंड मार्केट रहेगा तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो दो इंडिकेटर है, ये हमें दोनों चीज़ें बताने वाले हैं कि आप कहाँ पे बाय कर सकते हो, कहाँ पे सेल कर सकते हो। और साइडवेज मार्केट है तो आप एंट्री बनानी है, नहीं बनानी है, या कब बनानी है, वो ये दोनों इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर देंगे। तो एंट्री और एग्जिट के पार्ट पे आने से पहले, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक और बार मैं आपको बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि ऐसे ही ज़बरदस्त इंडिकेटर जो है मैं आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। नए नए वीडियो जो है ज़बरदस्त
आपको हेल्प करने वाले आपके ट्रेडिंग जर्नी में। कम से कम आपके लॉसेस जो है वो आपके कम होने वाले हैं इस इंडिकेटर की मदद से और मेरे इस वीडियो की मदद से। तो ये वाला अगर देखोगे आप तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, इस का इंटरफेस जो है ये चैनल का आप देख लीजिए। यहाँ पे हम यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस वीडियोस डेली, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियोस, कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स जो होते हैं उनका एनालिसिस, उनका क्या बाय सेल सिग्नल बनेगा, कहाँ पे बाइंग लेवल बनेंगे, इंट्राडे के लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहते हैं। और यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारे शेयर के एनालिसिस मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, जहाँ पे आप छोटा सा शेयर अगर मल्टीबैगर आपको ढूंढना है तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो शेयर्स मैंने यहाँ पे एनालिसिस वीडियो डाले हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आपको अगर मेरे यूट्यूब सॉरी मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना है तो आपको यहाँ पे जो राइट हैंड कॉर्नर में जो ये वाला QR कोड दिख रहा है, इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम लाइव मार्केट में लेवल्स प्रोवाइड करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। और एक बात बता दो, कोई भी स्ट्रैटेजी जो होती है मार्केट में अभी तक जो है 100% कोई भी स्ट्रैटेजी अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप 100% वाला कोई अगर स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो होली ग्रेल वाला, तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी आपको मिलने वाला नहीं है। हर एक स्ट्रैटेजी की जो है अपनी अपनी एक्यूरेसी होती है। तो ये वाला जो है अगर आप बिगिनर भी हो तो आपको जो लॉसेस हो रहे हैं उससे आप कम से कम लॉसेस आपको कम होने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी की वजह से। तो ये वाला जो है आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो देखिए, जब भी आपको सेल सिग्नल मिलेगा, इसको हम बाय और सेल कब करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे जब भी ये वाला जो सिग्नल है CCI जो चैनल है अपना, CCI कमोडिटी चैनल इंडेक्स, ये जब भी आपको 50% के, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना 50, यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा, ये जब भी 50 के ऊपर है और आपको यहाँ पे कुछ बाय सिग्नल मिले तब भी आपको बाय करना है। और जब भी ये CCI चैनल जो है 50 के नीचे है, -50 के नीचे, यहाँ पे अगर देखोगे ये -50 यहाँ पे दिख रहा है लाइन, ये वाला, एक मिनट में इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलर, तो आपको समझ में आएगा +50 -50 का। ये -50 जो है हम इसे कर देते हैं कलर, इसका कर देते हैं रेड और +50 का कर देते हैं हम ग्रीन, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये भी सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। तो जब भी देखो इस CCI चैनल जो है जब भी इस ग्रीन कलर के लाइन के ऊपर है, तब आपको अगर कोई बाय सिग्नल मिलेगा तभी आपको बाय करना है। तो देखिए इसे फिल्टर कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो हमें बाय सिग्नल मिला, लेकिन इसको हमने फिल्टर कैसे किया, ये जो चैनल है CCI जो लाइन दिख रही है हमें, ये -50 है, मतलब ये नीचे है, तो ये फेक सिग्नल हम प्रोवाइड करेंगे, तो इसे हम नहीं लेंगे, इस एंट्री को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये CCI चैनल जो है, हाँ अगर ये +50 मतलब जो 50 का लाइन है इसके ऊपर अगर होता और ये सिग्नल जनरेट होता तो हम यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढते, यहाँ पे हम बाइंग करते। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेल सिग्नल मिला हमें ये वाला, और CCI जो ये लाइन है ये -50 के नीचे है, तो हम यहाँ पे एक सेल पोजिशन बनाएंगे। तो ये वाला सेल सिग्नल जो यहाँ पे हमें मिला है उसके नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग पे ही हम यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ पे हम एंट्री बना लेंगे। और जो स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ पे, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ कौन सा ये शॉर्ट पोजिशन। ठीक है, यहाँ पे ये इस कैंडल पे सिग्नल जनरेट हुआ और उसके नेक्स्ट कैंडल पे ही हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। और स्टॉप लॉस जो है, एक मिनट सॉरी, मैंने ये 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, मैं इसे 1 मिनट कर देता हूँ। तो आप 5 मिनट पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके 5 मिनट में जो है थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, मैं बाय सेल का हम एंट्री का देखते हैं, फिर भी वापस आएंगे उस टॉपिक पे। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है ये साइडवेज मार्केट कैसे, इसमें फाइंड आउट करना है और ये साइडवेज मार्केट कैसे हमें ढूंढना है इस चैनल के, इस CCI चैनल की मदद से। तो देखो ये जब भी
माइनस 50 और प्लस 50 जो है इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा, ये वाला लाइन जब तक उसके बीच में रहेगा, आपको बाय सेल कुछ भी नहीं करना है, चाहे यहाँ पे कितने भी सिग्नल प्रोवाइड हो। तो यहाँ पे जब तक है, इससे ऊपर निकलेगा या इससे नीचे जाएगा तभी हमें, रेंज से बाहर निकलेगा तभी हमें कोई एंट्री लेनी है बाय और सेल सिग्नल की। तो यहाँ पे देखो इसने बाय सिग्नल दिया, लेकिन यहाँ पे हमें CCI चैनल क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड है, तो आपको यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनानी है क्योंकि यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड है। तो ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि बाय आप जो है साइडवेज मार्केट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ था सेल सिग्नल, लेकिन CCI चैनल जो है हमारा, इसने हमें इंडिकेशन नहीं दिया था यहाँ पे कुछ बाय करना है क्योंकि यहाँ पे 50 के ऊपर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एंट्री मिला था लेकिन ये फेक एंट्री था, तो हम इससे बच गए। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, लेकिन ये चैनल के अंदर है तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ पे भी हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और इसको आपको बस दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि जब भी ये CCI चैनल के अंदर, ये वाला वाइट लाइन जो दिख रहा है आपका CCI चैनल का, ये जब भी दोनों 50 के अंदर है, ऊपर वाला 50 का लेवल और नीचे वाला 50 का लेवल, मतलब माइनस 50 का लेवल और प्लस 50 का लेवल है, इसके अंदर जब तक है तो आपको कुछ भी करना नहीं है, बाय सेल कुछ भी नहीं करना है, तो आपका ओवर ट्रेडिंग भी इसमें इससे बचने वाला है। तो देखो यहाँ पे इसने सेल सिग्नल तो दिया लेकिन ये 50 के अंदर था, इसलिए हम इसे साइडवेज मार्केट कंसिडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक हमें बाय सिग्नल मिला, यहाँ पे इसे हम देखते हैं, इसने हमें यहाँ पे इस कैंडल ने हमें बाय सिग्नल दिया और नेक्स्ट कैंडल जो है 50 के ऊपर भी निकला, तो हम यहाँ पे एक एंट्री लेंगे, यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। ये वाले कैंडल ने हमें इंडिकेशन दिया और नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है आप मिनिमम 1:1 से लेके 1:3 का आप यहाँ पे जो है आप यहाँ पे टारगेट अपना रख सकते हो। और इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा, ये वाला जो चैनल है टोटली, ये वाला चैनल है, इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये होगा आपका स्टॉप लॉस पॉइंट। तो यहाँ पे हमें सिग्नल तो मिला, हालांकि इसने लॉस तो नहीं दिया लेकिन प्रॉफिट हमें दिया, भले 1:3 का नहीं दिया लेकिन 1:1 का तो भी यहाँ पे प्रॉफिट हमें मिल चुका है। तो देखो यहाँ पे एक सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ था, लेकिन ये एंट्री हमें नहीं लेनी है क्योंकि ये 50 के ऊपर है, तो ये वाला हम सिग्नल छोड़ देंगे। ये वाला भी सेल सिग्नल हमें मिला था लेकिन इसने, इस चैनल ने हमें बचा लिया क्योंकि ये 50 के ऊपर है, तो ये प्लस में था। हाँ, लेकिन यहाँ पे जब भी हमें बाय सिग्नल मिला, तो देखिए यहाँ पे एक ज़बरदस्त हमें सिग्नल मिला था इस कैंडल ने दिया, और ये जो लाइन है हमारी CCI की लाइन, ये प्लस 50 के ऊपर थी, तो नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग पे ही यहाँ पे हम बाय का जो है पोजीशन बनाएंगे, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा इस चैनल का जो लो है, मतलब यहाँ पे जो चैनल यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाला यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, और इसका आपका टारगेट जो है एटलीस्ट 1:1 से लेके 1:3 का आपका टारगेट रहेगा इस इंडिकेटर की मदद से, ठीक है। तो इसने भी अगर देखेंगे तो लगभग हमें 1:2.5 का हमें यहाँ पे इसने टारगेट दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सिग्नल यहाँ पे दिया था मार्केट ने, ये वाला यहाँ पे अगर देखोगे ये प्लस में आ गया था, जब भी बीच में था यहाँ पे, रेंज में था मार्केट, और यहाँ पे जब आया 50 के ऊपर निकला और यहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिला, तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे इस कैंडल के बाद, जो नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग होती है वहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, और इस चैनल का यहाँ पे एक तो मिडल में भी रख सकते हो आप इस चैनल के, या तो चैनल के लो पे रख सकते हो, और आपका जो टारगेट होगा 1:3 से लेके 1:1 से लेके 1:3। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसने काफ़ी तगड़ा हमें यहाँ पे रिटर्न दिया है, जो कि मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। इसने अगर देखोगे तो 1:6 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया है इस इंडिकेटर की मदद से। और यहाँ पे अगर देखोगे बाय सेल, यहाँ पे दो सिग्नल हमें मिले थे, लेकिन यहाँ पे हम ये सिग्नल फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ये
प्लस और माइनस 50 के बीच में ये लाइन चल रही है। यहाँ पे भी एक सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये अभी प्लस 50 से जस्ट नीचे निकला है और ये माइनस 50 के नीचे अभी नहीं गया है। और यहाँ पे देखोगे ये वाला जो चैनल है इसके ऊपर ये वाला लाइन है CCI चैनल का, यहाँ पे हमें से बाय सिग्नल यहाँ पे मिला इस कैंडल पे। तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग पे, जिसका स्टॉप लॉस जो है रहेगा ये वाला, और आपका जो टारगेट होगा मिनिमम 1:3 से लेके 1:5। तो यहाँ पे हम 1:3 कर देते हैं टारगेट, तो देखते हैं यहाँ पे 1:3 मिला कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कम्प्लीटली यहाँ पे 1:3 का हमें प्रॉफिट मिल चुका है। तो आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, आप जो ये सिग्नल देता है तो आप इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही एक्यूरेट इंडिकेटर है जो लगभग 90% के आसपास आपको एक्यूरेसी देगा। तो आप अपने हिसाब से चार्ट पे इसको प्लेस करके जो है आप बाय सेल सिग्नल जो भी आ रहे हैं, जो फेक सिग्नल आ रहे हैं वो एक्यूरेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और इसकी कितनी एक्यूरेसी आपको मिल रही है इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना है। और हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंडिकेटर यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ जो कि काफ़ी एक्यूरेसी वाले इंडिकेटर प्रोवाइड करता हूँ मैं। ऐसे नहीं कि कोई भी इंडिकेटर उठा के मैं बना दूँ यहाँ पे वीडियो। तो आपको जो भी इंडिकेटर मिलेंगे बहुत ही यूनिक मिलेंगे इस चैनल पे। तो इस मेहनत के पीछे मतलब इसे ढूंढने के लिए और ये वीडियो बनाने के लिए देखो दोस्तों बहुत सारी मेहनत लगती है उसके पीछे। तो बस आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट और लाइक कर देना है, बस ये आपका काम बनता है। बस इतनी मेहनत के पीछे बस यही एक्सपेक्टेशन है कि आप बस एक लाइक और कमेंट कर देना। तो ऐसे ज़बरदस्त वीडियोस लाने के लिए फिर हमें भी जो है अच्छा लगता है कि चलो भाई कोई तो रिस्पांस कर रहा है, तो किसी को ना किसी को तो वीडियो पसंद आ रहे हैं, इससे वो चीज़ें समझ में आती है। और लाइक कमेंट करने से क्या होता है, इस जो YouTube का एल्गोरिदम है उसको पता चलता है कि ये वीडियो को लाइक कर रहे हैं लोग, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई और अच्छी वीडियोस लाए हम और कुछ ऐसे बेहतरीन इंडिकेटर्स लाए जो बिगिनर्स ट्रेडर्स को या जिनको थोड़ा सा 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उनको भी पता नहीं है। ऐसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में कि जो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी देते हैं मार्केट में, तो ऐसे इंडिकेटर्स ढूंढ के हमने कुछ गिने चुने इंडिकेटर है, तो बहुत सारे ऐसे मैंने ढूंढ के रखे हैं। तो आगे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं इन सब इंडिकेटर के ऊपर। तो जो YouTube चैनल है मेरा उस पर आप जाके प्लेलिस्ट है इंडिकेटर वाला, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने और भी इंडिकेटर्स प्लेस कर दिए, तो आपको जो सूट करेगा उस इंडिकेटर को आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यही इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, जो आपको सूट करेगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करेगा वो आपको इंडिकेटर यूज़ करना है। और सबसे बेहतरीन मुझे अभी तक जो इंडिकेटर मिले हैं, ये दो इंडिकेटर मिले हैं जो कि स्कैल्पिंग के लिए मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और जो फेक आउट सिग्नल जो होते हैं, फेक सिग्नल जो होते हैं, इसको भी फिल्टर करने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हाँ हो सकता है कभी कभी आपको लॉस भी हो जाए, एक आध लॉस हो जाए, लेकिन आप अगर इसे बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा लॉसेस के कंपैरिजन में आपको प्रॉफिट कितनी बार अच्छे मिले हैं और लॉसेस आपके कितनी बार हुए, ये आप राइट डाउन नोट डाउन कर सकते हो इस चैनल की मदद से या इस इंडिकेटर की मदद से, तो आपको एक्यूरेसी इसकी पता चलेगी। तो आज ही इसको आप प्लॉट करके अपने प्लेटफॉर्म पे प्लॉट करके अपने ट्रेडिंग के चार्टिंग सॉफ्टवेयर जो है इसके ऊपर प्लॉट करके आप इसका बैक टेस्ट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बिल्कुल नहीं भूलना है कमेंट करना। तो ऐसी वीडियो ज़बरदस्त आगे मैं लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।